कुछ गड़बड़ है यार यहाँ पे थोड़ी सी। हो गया तुम लोगों का, अब जल्दी जल्दी से बैग पैक करो, चलना है भाई। और हाँ, वो भूतों को पकड़ने वाली मशीन पक्का याद करके रखना भाई। आज हम जा रहे हैं एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस पे। मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट में हूँ, लेकिन ये उतने ही ज्यादा डरे हुए हैं। हम इस चीज को पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी से टेस्ट करने वाले हैं। हमने नेगेटिव एनर्जी डिटेक्टर रख लिया है, उसके अलावा ड्रोन्स, इंस्टा 360, सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ में। लेट्स एक्सप्लोर। अरे आ जाओ यार, जल्दी से कहीं और चल लेते हैं। जरा सोच रहा हूँ इस महीने की सैलरी भी कहीं और ही दे आऊं। मंजिल अभी 250 किलोमीटर दूर थी, लेकिन रास्ता अभी से सुनसान था। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजा, ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर समय हो रहा है 5:29। हम हैं NH-48 पे। ये दिल्ली मुंबई हाईवे है और मैंने इतना खतरनाक हाईवे भाई पहली बार ही देखा है। बीफ्रिंग 120 की स्पीड में कंसिस्टेंटली गाड़ी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इनको है। तो यहाँ से क्या क्या लिया है प्रशांत, बता जरा। चिप्स, भुजिया, नमकीन। पैकेट कितने कितने लिए? 4 आलू भुजिया, 2 चिप्स, 2 टोमेटो वाले, 1 क्रीम ओनियन। तो इसने सोच लिया है कि मरने से पहले खा पी के पेट पूजा हो जाए और उसके बाद खत्म। सही बताऊं तो हंसने की बात अलग है, लेकिन फट रही है अंदर से बहुत ही खतरनाक। अभी शायद ये 4 लोग हैं, आते वक्त जोड़े के साथ 8 आए, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में फट के 4 हो लिए भाई। बाय बेबी, ये वही ना अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम भानगढ़ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जैसे जैसे हम आगे चढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें डरावनी हो रही हैं, बट बी फ्रेंक में राजस्थान से हूँ तो ये सब चीजें देखना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है तो इतना डरावना लग नहीं रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा डरावना तो है भाई। हमको मिल गए अंकल जी। अंकल जी का हाथ किसी भूत ने तोड़ा है। क्या नाम आपका? रामनाथ। अच्छा, ये भानगढ़ कोई गांव है फिर? ये किले को भानगढ़ बोलते हैं, किले को भानगढ़ बोलते हैं। ये गांव कौन सा है? ये पहले जयपुर था, पर पहले उजड़ हुई था। पहले जयपुर था। ओके ओके, भानगढ़ में है। हां हां, ये किलो को तो गुड है बेटे, नॉर्थ बहुत महल महल पहले सब ऊपर 3-4 मंजिल से। रामनाथ जी, बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन ये पता जरूर चला कि यहाँ पे भूत हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते थे और जो रात भर यहाँ पे रुकते थे, इवन गर्लफ्रेंड के साथ भी। और अंकल जी ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी भूतिया घटनाएं होती थी पहले, लेकिन अभी वो इतना नहीं है। और रास्ते में हमें मिला अजबगढ़, और लोगों का कहना है कि अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच का कनेक्शन बहुत ही गहरा है, क्योंकि इनके बीच में एक वक्त बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें भानगढ़ की बहुत बुरी हार हुई। और फिर जो सेना भानगढ़ के किले में मारी गई, उसके बाद से ही भानगढ़ भूतिया किला बताया जाने लगा। अंदर नहीं रुकने दें, कोई कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, मौत की जिम्मेदारी वाला फॉर्म साइन करके जाए तो भी नहीं। अरे कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं जाने देंगे। 7 बजे तक तो है ना? हाँ, 7 बजे तक है बिल्कुल। अच्छा, तो जंगली, जंगली जानवरों का है। हाँ, तो हाँ नाइट में पॉसिबल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बोल देंगे। तो बताए भाई कि नाम क्या तेरो? ललित सेन। यही का है तू? गाँव कौन सा तेरा? बोन सिंह के नाम से बचाया गया बनगढ़ को, रानी का नाम था रत्नावती। हाँ, जोर से जोर। तांत्रिक का नाम था सिंगी सेवड़ा। तांत्रिक की गंदी नजर थी रानी के ऊपर, दासी जाति तेल लेके। हाँ। तो बीच में तांत्रिक मिल गया, तांत्रिक ने काल जो मेल दिया,
अगर जैसे रानी तेल लगाती तो ऑटोमेटिक तो बस में जाती। हाँ। ऐसा उसमें कलर भी नहीं लगा दिया। हाँ। तो दासी चली गई तेल लेके। वो तेल अभी मिलता है क्या इधर? नहीं नहीं मिल रहा। सारी बात बता दिया। हाँ। दासी को बोले कि दासी इस तेल को देखा नहीं, बोल दे देखा कौन तांत्रिक कि मैं बताऊँ ना सिले पे गेर देना इस तेल को। जैसे रानी तेल लगा दी तो ऑटोमेटिक उसके पास चल जाती, तो फिर वो एक सिला था रानी के पास उसके ऊपर गेर दे तेल को, वो सिला उसके ऊपर जा गिर गया। एक दिन एक रात का सिल पूरा उजड़ गए। ओके। शराब दे दिया यहाँ पे, पहले लोग रहते थे। और ये है भानगढ़ किले का एंट्रेंस जहाँ पे घुसते बालाजी का मंदिर और एक टिकट काउंटर जिससे हमने 25 रुपए पर इंसान के हिसाब से टिकट ले ली। और जिन खंडर से होते हुए हम गुजर रहे हैं वो किसी वक्त बहुत मशहूर दुकानें हुआ करती थी महल की, और आज ये सिर्फ छोटे छोटे खंडर हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें मिल गए अपने कुछ सब्सक्राइबर्स वो यहाँ भी, और इससे एक बात तो तय हो जाती है कि हम और हमारे सब्सक्राइबर्स दोनों ही भूतों के पीछे पड़े हुए हैं। और मेल मिलाप करते हुए हम आगे बढ़ गए। बहुत सारी कहानियां हमने इस किले के बारे में सुनी है जिनमें एक है रानी रत्नावती जो बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बताई जाती है। और उसी गांव में रहता था एक तांत्रिक जो रत्नावती को देखते ही उन पे फिदा हो गया और उन्हें पाने के लिए काला जादू करने लगा। और इसकी स्टार्टिंग हुई इत्र की सीसी से। और ये सब करते हुए राजकुमारी की सहेली ने देख लिया और राजकुमारी को बता दिया, और फिर राजकुमारी ने वही इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया और ये पत्थर तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा और उस पत्थर से तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते श्राप दिया कि ये किला रातों रात खंडर में बदल जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और तब से आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस किले में से रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों के रोने की हंसने की। और एक वक्त के लिए इतना ज्यादा बढ़ गया था कि खुद गवर्नमेंट ने इस किले में शाम को 7 बजे के बाद अंदर जाना वर्जित कर दिया। लेकिन हमें क्या, हम हैं पूरे एकदम टेक्नोलॉजी से लुप्त, ढूंढने आए हैं भूत या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी को, जिसके लिए ये है एक ईएमएफ मीटर जो नेगेटिव एनर्जी के इर्द गिर्द होते ही बताता है। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा तो इसमें बत्तियां जलेंगी। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि खुश किस चीज पे होना, नेगेटिव एनर्जी के मिलने पे या फिर ना मिलने पे, क्योंकि ना मिली तो आना वेस्ट हो जाएगा और अगर मिल गई तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलो करते हैं आज मुलाकात भूतों से, और अब हम इस ईवीएफ मीटर की टेस्टिंग करेंगे कि सच में यहाँ पे भूत रहते हैं या फिर सब। और जैसे ही हम घुसे इस सुरंग में, और भाई यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा और सर के ऊपर चमगादड़ों का डेरा। और फिर हमारा ये नेगेटिव एनर्जी वाला ईएमएफ मीटर ब्लिंक करने लग गया, मतलब कुछ तो था जिसकी विजिबिलिटी हमारे तक नहीं थी, बट स्टिल ईएमएफ मीटर इसको डिटेक्ट कर रहा था। ओ भाई भाई ये देख रहा है अब यहाँ पे कैसे कोई फील्ड आई, देख। कुछ गड़बड़ है यार यहाँ पे थोड़ी सी। अच्छा ओ भाई ओ रेड बत्ती जल रही है भाई, यहाँ तो सांप है। टैंग 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 यार हेलो क्या मजाक है। ओ भाई अंदर कुछ खतरनाक सा लग रहा है, देख देख सच बता रहा हूँ यहाँ हर एक मोड़ पे बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है ये कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। भूत हो ना हो भाई लेकिन प्यार अमर है, यहाँ भी प्रशांत ए ए एल जे ये तीन के साथ था इनका थ्री एम जे। ओ भाई ये देख रहा तू, और कुछ मैं मानू ना मानू लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं नेगेटिव एनर्जी जरूर है, क्योंकि ये बार बार इसको डिटेक्ट कर रहा है, बिल्कुल रेड लाइट तक ब्लिंक करने को आ जाती है। बेसिकली डिवाइस किसी भी गैजेट में दौड़ रहे करंट को डिटेक्ट करता है। अब मैं जैसे इसके पास फोन लाऊंगा इसकी सारी बत्तियां ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर ऐसी किसी जगह पे टेस्ट कर रहे हैं तो पक्का हमको लगेगा भूत है। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, कई बार दीवारों के अंदर भी वायरिंग हो सकती है, लेकिन ये जो दीवारें हैं इनके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये गैजेट कोई भूतों को पकड़ने की मशीन तो नहीं है, लेकिन ये बनाया है सिर्फ रेडिएशन चेक करने के लिए। अब यहाँ पे बाहर खड़े हो गए तुम कितना भी भूत देख लो कहीं नहीं आने वाला कुछ। तो मुझे नहीं पता कि इस किले में भूत है या नहीं है,
लेकिन एक चीज मैंने बहुत ही अजीब तरीके के एक्सपीरियंस की है, मुझे आज तक भूतों से डर नहीं लगता, मैं उनकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नहीं समझता, बट अगर टेक्नोलॉजी में भी बिलीव करोगे तो कुछ चीजें बहुत ही अलग थी। जैसे मंदिर में जाके हम नेगेटिव एनर्जी को टेस्ट कर रहे थे तो वहां पे बिल्कुल एक लाइट भी ब्लिंक नहीं हो रही थी, सिर्फ पावर लाइट को छोड़ के, ऑब्वियसली वो तो होनी थी, लेकिन उसके अलावा कई जगह ऐसी थी जहां पे बिल्कुल सारी बत्तियां ब्लिंक कर रही थी, इवन लास्ट की रेड बत्ती तक, जो मुझे सच में काफी ज्यादा एक डरावनी चीज लगी, लेकिन एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही कमाल का था। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही अलग अलग गैजेट्स के साथ अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करें, हमेशा भूतिया टाइप ही नहीं कुछ और भी, तो नीचे कमेंट में बताओ कि वो कौन सी जगह हो सकती है, हम चूज करेंगे हर बार हर 10 दिन में एक लोकेशन और आपके लिए कुछ कमाल की चीजें लेके आएंगे विद लॉट्स ऑफ टेक। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब के लिए बाय।